Dear students, today's topic is what is an electroscope? ठीक है बेटा, electroscope. चलिए देख के. Electroscope, it is a device which is used to detect. Electroscope is a device which is used to detect and determine the nature of charge on a body. सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए. वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम एक बॉडी पर डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पर चार्ज आया है कि नहीं आया है. ठीक है बेटा, मान लीजिए ये ग्लास राड है, इसको मैंने रब किया है विद द हेल्प ऑफ सिलिक क्लॉथ, लेकिन मुझे तो चार्ज दिखते नहीं है इस पर, लेकिन जब सिलिक क्लॉथ से इसको रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड बनती है. लेकिन हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इस पर चार्ज आया है कि नहीं आया है? उसके लिए बेटा डिवाइस एक है, दैट डिवाइस वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? शाबाश बेटा, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी. If simply we can say that electroscope is a device which is used to detect the charge on a body. एक बॉडी पर अगर मुझे देखना है ये चार्जड है कि नहीं है, उसके लिए कौन लगता है बेटा? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप. लेकिन कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोस्कोप जो हमारे पास है, द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोस्कोप इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. कौन सा यूज किया जाता है कॉमनली? गोल्ड क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स. और गोल्ड लीफ का मतलब क्या है? लीव. इससे गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसके वेरी थिन फॉयल्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे सिल्वर फॉयल्स बनाई जाती है, इसी तरीके से गोल्ड के थिन लीव्स बना सकते हैं हम, जो मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग गोल्ड लीव्स. तो जो कॉमनली हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. लेकिन nowadays gold is very costly. In place of gold, aluminium leaves are also used. In electroscope. ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को बताता हूं diagrammatically कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. अच्छी तरीके से समझिए. तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है जो हम बनाएंगे, जिसमें गोल्ड लीव्स या एल्यूमिनियम लीव्स का यूज किया है, वो देख लीजिए कैसे बनाते हैं. एक बोतल है, दिस बोतल इज मेड अप ऑफ ग्लास. ऐसे बोतल है, ये बनी होती है ग्लास की, जिससे हम आर पार देख सकते हैं. और याद रखना बेटा, ऐसी बोतल है, इस बोतल के नेक में रबर कॉर्क लगा है, रबर का कॉर्क लगा है, ये रबर का कॉर्क है. दिस इज ग्लास बोतल,
जिससे हम आर पार देख सकते हैं। दिस इज कॉर्क, रबर कॉर्क, ठीक है बेटा। तो इस रबर कॉर्क से एक मेटल रॉड, ये मेटल की रॉड है, दिस इज मेटल रॉड, ऐसे ये इस रबर कॉर्क से बोतल के अंदर डाली गई है, और इस रबर कॉर्क के ऊपर ऐसे मेटल प्लेट बना है, मेटल प्लेट या मेटल डिस्क, और डिस्क, ठीक है बेटा। लेकिन दूसरे इस रॉड के एक एंड पर तो मेटल प्लेट है, दूसरे एंड पर इसके दो, ये वाले ऐसे और ऐसे, ये बेटा थिन गोल्ड लीव्स है, गोल्ड लीव्स, एक लीफ ये है, एक लीफ ये है, गोल्ड के है, इन्हीं को बोलते हैं गोल्ड लीव्स, ये ऐसे, ठीक है बेटा, ये गोल्ड लीव्स, इसलिए इसको ये जो मैंने यहां पर अर्थिंग पॉइंट भी एक होता है ऐसे, दिस इज अर्थिंग पॉइंट, अगर लीकेज ऑफ चार्ज जाएगी तो वो अर्थ में जाएगी, अर्थिंग पॉइंट। तो ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको बोलेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, याद रखिए बेटा, या सिंपली हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हाउ वी कैन डिटेक्ट द चार्ज ऑन ए बॉडी, ठीक है बेटा, हम शो कर सकते हैं किस तरीके से ये डिटेक्ट करता है चार्ज एक बॉडी पर। ये गोल्ड लीव्स की तरफ आप लोगों को नजर रखनी है, ठीक है, बात सुनिए। ये मैंने एक ग्लास रॉड ली, ठीक है बेटा, ये मैंने सिलिक क्लॉथ लिया, अभी मैंने रब नहीं किया है ग्लास रॉड और सिलिक क्लॉथ को, मैंने रब नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं ये ग्लास रॉड लूंगा, क्योंकि ये चार्ज्ड नहीं है, मुझे डिटेक्ट करना है क्या इस पर चार्ज है कि नहीं है, तो मैंने ये रॉड या कोई भी रॉड ले लीजिए आप, जिसको आप लोगों को देखना है ये चार्ज हुई है कि नहीं हुई है, आप लोगों को क्या करना है, इस रॉड को मेटल प्लेट के साथ टच करना है, ठीक है बेटा, इन गोल्ड लीव्स की तरफ नजर रखनी है, इन गोल्ड लीव्स की तरफ क्या रखना है, ध्यान रखना है, इसकी तरफ नजर रखनी है। देखो बेटा, अभी तो ये चार्ज्ड ही नहीं है, क्योंकि इसको रब मैंने किया ही नहीं, इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं है, इसलिए गोल्ड लीव्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे है वैसे ही है, ठीक है बेटा। तो अब अगर ये चार्ज्ड होगी, अगर मैंने इसको रब किया विद द हेल्प ऑफ सिलिक क्लॉथ, इस पर कौन से चार्ज आए हैं, इस पर आया है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देख लीजिए, क्योंकि ग्लास रॉड को मैंने किससे रब किया बेटा, विद द हेल्प ऑफ सिलिक क्लॉथ, ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब हमें ये कंफर्म करना है क्या ये रब करने से ये ग्लास रॉड चार्ज हुई है कि नहीं हुई है, ये किससे हम देख पाएंगे, That device we called as gold leaf electroscope. कैसे देखते हैं, वो सुनो, सबसे पहले जो ये charged rod है जिस पर positive charge मैंने दिखाया भी आप लोगों को, इस पर positive charge है, हर जगह positive charge है, क्यों आया है इस पर positive charge, क्योंकि मैंने rub किया है with a piece of silk cloth, इस charged rod को, लेकिन मुझे देखना है ये charged rod है कि नहीं, ये तो इस पर नहीं थे, ये तो आप लोगों को या मुझे ये चार्जेस दिखेंगे नहीं,
लेकिन जब दिखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा ये चार्जर हुई है कि नहीं हुई है। मैं क्या कर लूंगा बेटा, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस पर पॉजिटिव चार्जेस बनाए, लेकिन गिलास रॉड पर तो हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर कैसे हम दिखा पाएंगे कि ये रॉड चार्जर्ड है कि नहीं है। देखो कैसे, इस रॉड को आप लोगों को मेटल प्लेट के साथ टच करना है, ठीक है बेटा। जब आप लोगों ने मेटल प्लेट के साथ टच किया है, इस पर कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गए? मेटल प्लेट पर। ये किससे आए? गिलास रॉड से। किस पर आ गए? शाबाश बेटा, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट किससे लगी है? मेटल रॉड से। दिस इज मेटल रॉड, मेटल रॉड। मेटल रॉड से ये पॉजिटिव चार्जेस नीचे नीचे आएंगे, ऐसे आएंगे नीचे, देख लीजिए नीचे आ गए। किनके पास पहुंच गए? गोल्ड लीव्स पर। गोल्ड लीव्स पर जब पॉजिटिव चार्ज यहां से भी आ गया, यहां से भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है बेटा। आप लोग देखते हो क्योंकि ये शीशे की बोतल है, ग्लास बोतल है, आप लोग तो बाहर से देखते हो इनकी तरफ, गोल्ड लीव्स की तरफ। जब इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया, आप लोगों को पता है लाइक चार्ज, ये भी लाइक चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। जब रिपेल किया इन्होंने, जो गोल्ड लीव्स, इधर सुनिए, गोल्ड लीव्स पहले ऐसे थे, आप लोग इनकी तरफ देखते हो, गोल्ड लीव्स पहले ऐसे थे, जब इस पर जब पहले चार्ज नहीं था तो इतने दूर थे, जब इन पर चार्ज आया इन्होंने रिपल्शन शो किया, ये डाइवर्ज हो गए। डाइवर्ज का मतलब हो गया ऐसे हो गए, दूर चले गए, ये यहां से यहां पहुंच गया, ये प्लेट यहां पहुंच गया और ये प्लेट यहां पहुंच गया। इसका मतलब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इन्होंने डाइवर्जेंस शो की। कौन क्या किया? डाइवर्जेंस। इसका मतलब जब गोल्ड लीव्स ने डाइवर्जेंस शो की, याद रखा बेटा, जब गोल्ड लीव्स दूर दूर चले गए, डाइवर्जेंट हो गए, तो इसका मतलब है गिलास रॉड जो थी, जो मैंने मेटल प्लेट के साथ टच की थी, उस पर चार्ज था, वो चार्जर्ड थी। तो इससे डिटेक्ट हो गया, जब गोल्ड लीव्स ने डाइवर्जेंस दिखाया, तो इसका मतलब हो गया द रॉड विच आई टच्ड विद द मेटल प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप वाज चार्जर्ड। अगर ये डाइवर्जेंस नहीं दिखाते तो इसका मतलब होता कि जो ग्लास रॉड थी वो चार्जर्ड नहीं थी। तो जिस डिवाइस से हमने अब ये दिखाया कि एक बॉडी पर कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज चार्ज्ड और नॉट, दैट डिवाइस वी कॉल्ड एज किस, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप। मगर याद रखना बेटा, डाइवर्जेंस के शो करने से ये पता चलता है कि ग्लास रॉड चार्ज्ड है कि नहीं है, याद रखे। तो इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस तरह अगर आप लोगों को किसी भी बॉडी को देखना है कि चार्ज्ड है कि नहीं है, तो उस बॉडी को आप लोगों को सिंपली मेटल प्लेट के साथ टच करना है और गोल्ड लीव्स में डाइवर्जेंस देखनी है, होती है कि नहीं होती है, कि अपनी जगह रहते हैं, तो उस डाइवर्जेंस शो करता है कि यस द बॉडी विच आई टचड विद द मेटल प्लेट शोज द बॉडी इज चार्ज्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट द एपरेटस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखा बेटा, इसी को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और इसी से डिटेक्ट हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, याद रखें।